नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टुडे। मैं हूं आपके साथ हिना, लेकर आई हूं हमारी खास पेशकश दंगल 2019। चुनावी मौसम में राजनीतिक दलों की निगाह ओबीसी के वोट बैंक पर लगी हुई है। कभी सपा बसपा के वोट बैंक रहे ओबीसी को भाजपा ने अपने पाले में लाकर यूपी में अपना 15 साल का वनवास खत्म कर दिया और बाकी दल अब फिर से ओबीसी को साधने की कवायद में जुट गए हैं। अब देखना यह होगा कि ओबीसी वर्ग किस पर फिदा होता है। आप देखिए यूपी में ओबीसी को लुभाने की कोशिश। मौजूदा लोकसभा चुनाव में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों की निगाह सूबे की कुल आबादी के 40% ओबीसी वोट बैंक पर लगी हुई है। कभी सपा बसपा और 70 से 80 के दशक में कांग्रेस के वोट बैंक रहे ओबीसी को भाजपा ने अपने पाले में लाकर बमुश्किल 15 साल बाद सत्ता हासिल करने में कामयाबी हासिल की है। अब हर दल, चाहे कांग्रेस हो या सपा बसपा, हर कोई ओबीसी को लुभाने की कोशिश में जुटा है। देखना यह होगा कि ओबीसी वोट बैंक किस करवट बैठता है। यूपी में अगर पिछले वर्ग की बात करें तो हिंदू मुसलमान दोनों ही जातियों में ओबीसी शामिल हैं, जिसमें 20% ओबीसी सुनार और कुछ पिछड़े मुस्लिम हैं, 4% कुशवाहा, शाक्य, घोसी, काछी और सैनी हैं, 1.7% जाट हैं, 7% लोधी और 9% यादव हैं। इसके अलावा यूपी सरकार 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की तैयारी में है। हालांकि ये कवायद पिछले कई सालों से चल रही है और बीजेपी इस पर पूरी तैयारी में दिख रही है। देखिए, हम लोग कभी कांग्रेस पार्टी की तरफ से अगर मान लिया जाए तो कभी भी कांग्रेस ने कभी जात धर्म बिरादरी पे राजनीति नहीं की। लेकिन कांग्रेस का ये सदैव इच्छा या कहिए कार्य रहा है को सबका, सारे जो भी लोग हैं उनकी राजनीतिक भागीदारी, जो भी जाति धर्म के लोग हैं उनकी समुचित भागीदारी हो, जिससे कि उस समाज को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। इन 17 जातियों में कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुमार, प्रजापति, धीवर, बिंद, भर, राजभर, धीमर, बाथम, तुरहा, गोंड, माझी और मछुआ शामिल है। इन जातियों को अनुसूचित जातियों में शामिल कराने के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है। अब जल्द ही ये प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। मुलायम की कमाई को बचाने में जुटे अखिलेश। समाजवादी पार्टी के मुखिया रहे मुलायम सिंह यादव ने मंडल आयोग की सिफारिश के तहत ओबीसी को 27% आरक्षण देने के बाद खासी अच्छी मशक्कत कर प्रदेश के पिछड़े वर्ग को लामबंद कर अपना बेस वोट बैंक बनाया था और यादवों के निर्वाचित नेता के रूप में उभरे थे। उस बेस वोट बैंक को अपने साथ बनाए रखने के लिए सपा के मौजूदा अध्यक्ष अखिलेश यादव के सामने चुनौती है। समाजवादी पार्टी किसी जाति धर्म की राजनीति नहीं करती है। जब जब सत्ता में आई है तब तब समाज के हर व्यक्ति के लिए, चाहे समाज का कोई भी व्यक्ति हो, उसके लिए काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता से झूठा वादा किया है। सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने के बाद देश की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। राजनाथ सरकार की हुकुम सिंह कमेटी। प्रदेश की राजनाथ सिंह सरकार में मंत्री रहे अशोक यादव ने उस समय इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जब राजनाथ सिंह ने कोटे में कोटा तय करने के लिए हुकुम सिंह कमेटी गठित करने की घोषणा की थी। अदालत के स्टे के चलते हुकुम सिंह कमेटी की सिफारिशें लागू नहीं हो पाई थी। योगी ने नई कमेटी बनाई, उसमें भी अपनी रिपोर्ट दी है। बसपा कांग्रेस पीछे नहीं, बसपा भी इस मामले में पीछे नहीं है। पार्टी नेतृत्व ने इसी सूबे की ओबीसी आबादी को अपने से जोड़ने के लिए आरएस कुशवाहा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है और राम अचल राजभर को महासचिव। पिछली सपा सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रहे अनीस मंसूरी अब बसपा में शामिल हो गए हैं और वे अब बसपा में अति पिछड़े मुसलमान यानी कि पसमंदा मुसलमानों को बसपा से जोड़ने में जुट गए हैं। कांग्रेस ने भी अपने दल के कृष्ण पटेल गुट को संग लेने के लिए गंगा किनारे बसने वाली जातियों को पक्ष में करने की कवायद शुरू कर दी है। बीजेपी ने चला था दांव।
बीजेपी जो कभी आगड़ों की पार्टी कही जाती थी, उसने ओबीसी आबादी को समुचित नुमाइंदगी देते हुए इस वोट बैंक पर अपनी नजर जमा ली है। भाजपा ने खास तौर पर पिछला वर्ग की गैर यादव विरादियों को अपने साथ जोड़ने पर हाल के सालों में खासी मेहनत की है। इसका नतीजा उसे विधानसभा 2017 के चुनाव में मिला भी था। देखिए, पिछड़ों के नाम पर बहुत सारे लोग अगड़े हो गए, बहुत सारी उन्होंने संपत्तियां इकट्ठा कर ली। लोग जानते हैं कि किस तरह से सैफई कुनबे ने अकूत संपदा इकट्ठे कर ली पिछड़ों की राजनीति के नाम पर, लेकिन पिछड़ा लगातार पिछड़ता गया। आज भारतीय जनता पार्टी ने उनको विकास की धारा में लगातार आगे बढ़ाने का काम किया है। जो भी वंचित समाज के लोग थे, जो भी पिछड़े समाज के लोग थे, आज उनके साथ विकास की अलग अलग योजनाओं से उनको जोड़ करके उनका पिछड़ापन दूर करने का काम किया है। वरना कैसे दलितों के नाम पर लोगों ने दौलत इकट्ठा की है और पिछड़े के नाम पर अपनी झोलियां भर ली है, ये भी देश की राजनीति ने देखा है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछड़ा, अगड़ा, वंचित, दलित आज सब एक मुख्य धारा में आ रहे हैं, सब विकास की योजनाओं के साथ जुड़ रहे हैं। प्रदेश की कुल ओबीसी आबादी का 9% हिस्सा यादव माने जाते हैं और अधिकांश ये वोट बैंक सपा के खेमे में ही गिने जाते हैं। भाजपा ने अपने संगठित ढांचे में ओबीसी सेल गठित किया है। पार्टी नेतृत्व ने कार्यकर्ताओं को गांव में ओबीसी आबादी से तालमेल बिठाते हुए उन्हें पार्टी के कार्यक्रम और नीतियों से जोड़ने के लिए स्पष्ट निर्देश भी दे रखे हैं। राज्यसभा सांसद सकलदीप राजभर, मंत्री अनिल राजभर को खास तौर पर आगे बढ़ाया गया है। लोकसभा के चुनावी समीकरण में सबसे अहम भूमिका पिछड़ों की है। माना ही जा रहा है जिस ओर ये पिछड़े करवट लेंगे उनकी ही सरकार बनना तय है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस बार पिछड़ों की बात करने वाले अखिलेश यादव को अपने 9% यादव वोट बैंक के साथ साथ और तमाम वोट बैंकों को खींचना होगा। लेकिन जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के अंदर 2014 में बीजेपी को भारी बहुमत से उत्तर प्रदेश से 73 सीटें दी गई, वहीं अब विधानसभा चुनाव के अंदर 2017 में भी इन पिछड़ों ने अपना रुख बदल लिया। देखना यह होगा कि आखिर इन पिछड़ों की सियासत में लोकसभा चुनाव के अंदर किस प्रकार बदल पाएगी। क्या ये पिछड़े एक बार फिर लामबंद होकर समाजवादी पार्टी की तरफ जाएंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी का ही दामन थामेंगे। कैमरा पवन विश्वकर्मा के साथ रामनित भट्ट, लाइव टुडे, लखनऊ। राजनीति की नर्सरी के रूप में पहचाने जाने वाले लखनऊ नगर निगम ने देश को कई बड़े नेता दिए हैं। यहाँ की नर्सरी से राजनीति सीखकर निकलने वाले कई नेता सांसद, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और प्रदेश में कैबिनेट मंत्री बने। कुछ अब भी महत्वपूर्ण पदों पर हैं, हालांकि कुछ दुनिया से अलविदा भी कह गए हैं। अब देखिए शहर की राजनीति की पाठशाला से निकलने वाले बड़े नेता। नगर निगम जो किसी शहर की राजनीति का पायदान माना जाता है, यही वजह है कि लोग नगर निगम का चुनाव जीतने के लिए बेहद उतावले रहते हैं और गली मोहल्ले से लेकर तमाम छोटे नेता यहीं से राजनीति सीखकर अपनी पहचान बनाते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ नेताओं की जो लखनऊ के नगर निगम से राजनीति सीखकर बड़े नेता बने हैं। रामप्रकाश गुप्ता, पूर्व सीएम रामप्रकाश की बात करें तो उनकी पहचान लखनऊ के नगर निगम से ही बनी थी। जून 1964 से जनवरी 1966 तक नगर निगम के उपनगर प्रमुख रहे। कई बार विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य चुने गए। 12 नवंबर 1999 को यूपी के मुख्यमंत्री बने। मई 2003 से 2004 तक एमपी के राज्यपाल रहे। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, यूपी के मौजूदा डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा भी इनमें से एक हैं, जिनकी पहचान भी नगर निगम से हुई थी। 2006 में बीजेपी ने महापौर के लिए मैदान में उतारा। 2 बार लखनऊ के मेयर रहे। 2017 को डिप्टी सीएम की पद की शपथ ली। लालजी टंडन, बिहार के मौजूदा राज्यपाल लालजी टंडन भी राजधानी के नगर निगम की नर्सरी से निकले हैं। पार्षद के बाद वो प्रदेश में कैबिनेट मंत्री की कुर्सी पर बैठे और साल 2009 में लालजी टंडन लखनऊ से सांसद बनाए गए, जिसके बाद 23 अगस्त साल 2018 को बिहार के राज्यपाल बनाए गए। अखिलेश दास राजनीति में शिखर पर पहुंच चुके पूर्व मेयर अखिलेश दास भी इनमें से पीछे नहीं थे। लखनऊ की नगर निगम से पहचान बनाने वाले अखिलेश दास 13 मई 1993 से 30 नवंबर 1995 तक लखनऊ के महापौर रहे। बाद में
राज्यसभा सांसद चुने गए। जनवरी 2006 से मई 2008 तक केंद्र में इस्पात मंत्री का पद संभाला। राजधानी लखनऊ के कैंट से दो बार विधायक रहे सुरेश तिवारी भी नगर निगम के पार्षद रह चुके हैं। वर्तमान में वो बीजेपी के अवध क्षेत्र से अध्यक्ष हैं। लखनऊ के मेयर के साथ ही उपनगर प्रमुख रहे बीआर मोहन भी एमएलसी चुने गए। इनके अलावा बाबू राम कुमार और बंसल लाल राजनीति में शिखर तक पहुंचे और एमएलसी बने। लखनऊ नगर निगम राजनीति की पाठशाला के रूप में उभर कर सामने आई है। यही कारण है कि बीते दिनों यहां से कई तरीके के राजनीतिज्ञ निकल कर आए हैं। बात चाहे उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा की रही हो या राम प्रकाश गुप्ता की। राम प्रकाश गुप्ता यहां पर नगर निगम में रहते हुए अपनी सेवाएं दी, उसके बाद वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और राज्यपाल के रूप में मध्य प्रदेश भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी। उप मुख्यमंत्री के रूप में वर्तमान में काम कर रहे डॉक्टर दिनेश शर्मा भी लखनऊ नगर निगम में दो बार मेयर के रूप में काम किया। इसके साथ ही अखिलेश दास गुप्ता भी लखनऊ के नगर निगम से ही निकल कर गए और वह राज्यसभा सांसद के साथ ही काफ़ी ऊंचे ओहदे तक पहुंचे। इस तरीके से लखनऊ नगर निगम में लगातार अपने प्रत्याशियों को जिताने के साथ ही कई तरह के लोग यहां पर प्रवेश पाने को लालायित रहते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पवन के साथ आशीष सिंह, लाइव टुडे, लखनऊ। रुकेंगे फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। के बाद स्वागत है आपका। लोकसभा चुनावों में क्षेत्रीय दलों को हरा पाना राष्ट्रीय पार्टियों के लिए एक बड़ी चुनौती रहा है, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनावों में उत्तर भारत के छोटे दलों के लिए मोदी लहर बुरे सपने की तरह आई। यूपी और बिहार के क्षेत्रीय दलों का लगभग सफाया कर दिया, लेकिन भगवा लहर में कई राज्यों में क्षेत्रीय दल बड़ी ताकत बनकर उभरे और अपना किला पहले से ज्यादा मजबूत कर दिया। ...2019 के चुनाव में हर पार्टी 2014 से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए रणनीति बना रही है। सभी दलों की कोशिश है कि पिछली बार से ज्यादा सीटें इस बार मिलें। देश की दो सबसे बड़ी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस को अपना सियासी किला मजबूत करने के लिए क्षेत्रीय दलों के सहयोग की जरूरत पड़ रही है। 2014 में राष्ट्रीय पार्टियों ने 342 सीटों पर कब्जा जमाया था, जबकि क्षेत्रीय दलों ने 203 सीट पर जीत दर्ज की थी। मोदी लहर के बावजूद रीजनल पार्टियों ने अपना दमखम दिखाया था। ...2014 लोकसभा चुनाव AIADMK 37 सीट, TMC 34 सीट, BJD 20 सीट, TDP 16 सीट, SP 5 सीट, PDP 3 सीट। कांग्रेस और बीजेपी दोनों को पता है कि बिना छोटी पार्टियों से गठबंधन किए उनका बेड़ा पार नहीं होगा, इसलिए 40 से अधिक पार्टियों वाले NDA को लीड करने वाली बीजेपी भी नए साथियों की तलाश में है और 15 पार्टियों को लीड करने वाला UPA भी अपना कुनबा मौका मिलने पर बढ़ा रही है। 2014 में जिन क्षेत्रीय पार्टियों ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था उनमें तमिलनाडु की AIADMK, BJD, शिवसेना, TDP, TRS और YSR कांग्रेस के नाम शामिल हैं। इनमें AIADMK और शिवसेना बीजेपी के नेतृत्व वाले NDA के साथ है। क्षेत्रीय दलों की लिस्ट बहुत लंबी है, पर ये उन पार्टियों के नाम है जो अकेले अपने दम पर राज्य में सत्ता काबिज कर चुके हैं या अभी भी सत्ता में है। इस समय सत्तारूढ़ बीजेपी के खिलाफ बड़ी क्षेत्रीय पार्टियां एकजुट हैं। ये दल चाहते हैं कि बीजेपी हार जाए और कांग्रेस भी न जीते, ताकि क्षेत्रीय दल मिलकर नया प्रधानमंत्री बना सके। रीजनल पार्टियों का कद और उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही हैं और चुनाव में इनका विस्तार हो रहा है। बीजेपी ने जो 2000 का आम चुनाव जीता उसमें छोटी पार्टियों से प्री पोल अलायंस की बड़ी भूमिका थी। राष्ट्रीय पार्टियों का वोट शेयर कम हो रहा है। क्षेत्रीय पार्टियां अपनी स्थानीय पकड़ की वजह से बीजेपी और कांग्रेस दोनों के सामने ऐसी चुनौती बनकर उभरी हैं कि दोनों उनके साथ के बिना सत्ता तक नहीं पहुंच सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टुडे। इस
बार चुनाव आयोग ने एक डेटा जारी कर बताया कि देश में तकरीबन 2300 राजनीतिक दल हैं। इन राजनीतिक दलों के नाम भी अजीबोगरीब हैं। पॉलिटिकल पार्टियों की लंबी फेरिस्त में इंडियन लवर्स पार्टी भी है और देवता दल भी शामिल है। आप भी देखिए राजनीतिक पार्टियों के अजीबोगरीब नाम। आम आदमी पार्टी का नाम तो आप सभी ने सुना होगा, लेकिन क्या अनजान आदमी पार्टी का नाम सुना है? हो सकता है कुछ लोगों ने सुना हो और कई लोगों के लिए ये एकदम नया हो। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के नए डेटा के मुताबिक देश में कुल 2293 पॉलिटिकल पार्टियां हैं। चुनाव आयोग में पंजीकृत इन पार्टियों में से 7 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और 59 मान्यता प्राप्त राज्य पार्टियां हैं। भारत में अगर आपको राजनीतिक दल बनाना है तो चुनाव आयोग की तय गाइडलाइंस के मुताबिक बहुत आसानी से ये किया जा सकता है। बाकी इसी सहजता का परिणाम है कि अजीबोगरीब नाम वाली ढेरों पार्टियां हैं। आप भी देखिए राजनीतिक दलों के अजीबोगरीब नाम। गरीब आदमी पार्टी, तुम्हारी मेरी पार्टी, ऑल पेंशनर्स पार्टी, रायता भारत पार्टी, अपनी जिंदगी अपना दल, पिरामिड पार्टी ऑफ इंडिया, लेमन पार्टी, वोटर्स इंडिपेंडेंट पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी, देवता दल, गरीब बेरोजगार विकास पार्टी, अनजान आदमी पार्टी, राष्ट्रीय साफ नीति पार्टी, अपना किसान पार्टी, भारतीय महापरिवार पार्टी, बहुजन हसरत पार्टी, आपकी अपनी पार्टी, मजदूर किराएदार विकास पार्टी, इंडियन लवर्स पार्टी। जी हाँ, इनके जैसे ही अलग अलग दलों के नाम इस पूरी लिस्ट में शामिल हैं। फरवरी मार्च के बीच 119 दलों का पंजीकरण। बता दें कि फरवरी से मार्च 2019 के बीच 149 राजनीतिक दलों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। राजनीतिक दलों के पंजीकरण का ये सिलसिला लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से एक दिन पहले यानी कि 9 मार्च तक चला। पिछले साल 2018 नवंबर दिसंबर के दौरान मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले 58 राजनीतिक पार्टियों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था और इस रजिस्ट्रेशन में कैसे कैसे नाम थे ये तो आपने देख ही लिया। ब्यूरो रिपोर्ट लाइव टुडे। लोकसभा चुनाव 2019 के लिए सबसे बड़ी कवरेज करने के लिए लाइव टुडे की टीम निकल पड़ी है। प्रदेश के कई जिलों से होकर लाइव टुडे जाटलैंड बागपत पहुंचा है। इस सीट पर पूरे देश की नजरें हैं। यहां मुकाबला जयंत चौधरी और सतपाल सिंह के बीच है और लड़ाई खुद को दूसरे से बड़ा जाट नेता साबित करने की है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सियासी गढ़ और जाटलैंड माने जाने वाली लोकसभा सीट बागपत हमेशा से ही चौधरी अजीत सिंह का गढ़ रहा है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह यहां से सांसद रह चुके हैं और उसके बाद उनके बेटे अजीत सिंह ने यहां पर कई बार चुनाव जीता, लेकिन 2014 में चली मोदी लहर के दम पर बीजेपी ने अपना परचम यहां पर लहराया। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर सत्यपाल सिंह संसद पहुंचे और अजीत सिंह तीसरे नंबर पर पहुंच गए। बागपत लोकसभा सीट 1967 में अस्तित्व में आई थी। पहले चुनाव में यहां जनसंघ और दूसरे चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की, लेकिन इमरजेंसी के बाद यहां 1977 में हुए चुनाव से यहां की राजनीति पूरी तरह से बदल गई। 1977, 1980 और 1984 में लगातार पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह यहां से चुनाव जीते। उनके बाद बेटे ने उनकी विरासत संभाली और अजीत सिंह 6 बार यहां से सांसद रहे।
1989, 1991, 1996 लगातार 3 बार अजीत सिंह चुनाव जीते, लेकिन 1998 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। फिर 1999, 2004 और 2009 में लगातार 3 बार जीते और 2014 में बीजेपी के सत्यपाल सिंह चुनाव जीत गए। महागठबंधन का हिस्सा बनने के बाद आरएलडी ने यहां से जयंत चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर जात के बाद मुस्लिम वोटरों की संख्या सबसे ज्यादा है, यहां कुल 16 लाख से ज्यादा वोटर हैं। बागपत का समीकरण, जाट 3,80,000, मुस्लिम 2,60,000, ब्राह्मण 1,05,000, हरिजन 1,25,000, वैश 85,000, गुर्जर 66,000। 2014 में मौजूदा सांसद अजीत सिंह पर मोदी लहर भारी पड़ी थी। जाटों का गढ़ माने जाने वाले बागपत में राष्ट्रीय लोकदल को बड़ा झटका लगा। आरएलडी प्रमुख अजीत सिंह को यहां से हार झेलनी पड़ी। बीजेपी के सत्यपाल सिंह ने इस सीट से 2 लाख से अधिक वोटों से जीत दर्ज की, जबकि अजीत सिंह को 20% से भी कम वोट मिले। ২০১৪ के लोकसभा चुनाव के नतीजे, सत्यपाल सिंह बीजेपी 4,23,475, गुलाम मोहम्मद एसपी 2,13,609, चौधरी अजीत सिंह आरएलडी 1,99,516। इस बार का चुनाव आरएलडी के लिए अस्तित्व की लड़ाई है। पिछले विधानसभा और लोकसभा में आरएलडी पूरी तरह से साफ हो गई थी। कैराना के उपचुनाव में रालोद उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी और इसीलिए सिर्फ 3 सीटें मिलने के बाद भी एसपी बीएसपी के गठबंधन में आरएलडी शामिल हो गई है। आरएलडी के सामने अपना पुराना गढ़ फिर से हासिल करने की चुनौती है, तो सत्यपाल सिंह फिर से बागपत में भगवा झंडा लहराने की कोशिश में। पश्चिमी यूपी के अंदर जाट बाहुल्य क्षेत्र होने के साथ साथ गन्ना बेल्ट का भी एक बड़ा क्षेत्र है। वहीं बात करें बागपत की, तो बागपत के अंदर जिस तरीके से जयंत चौधरी और डॉक्टर सत्यपाल सिंह आमने सामने हैं, माना यह जा रहा है कि बागपत सीट और ज़्यादा कड़ा मुकाबला देगी, जिसमें 2014 के अंदर पूर्व कमिश्नर सत्यपाल सिंह को जीत हासिल कराई। वहीं माना जा रहा है कि चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी भी इस मैदान के अंदर बागपत सीट से ताल ठोक रहे हैं। देखना यह होगा कि आखिर इस लोकसभा सीट के अंदर जाट किसकी साथ जाते हैं और किसकी ठाट बनाते हैं। कैमरामैन परुषकर्मा के साथ अपने सहयोगी सचिन त्यागी के साथ रामनुज भट्ट, लाइव टुडे लखनऊ। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए लाइव टुडे।